छः सात, ये वाला, ये 36 कहाँ से है भाई? यहाँ 12 लिखा है और यहाँ 3 है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा?
दो बातें नहीं, जो ज्यादा बातें करेगा उसी को यही बुला लेंगे सीधे, वही करेगा सवाल फिर, क्योंकि ये तो पता है कि तुम बातें कर रहे हो तो तुम पढ़ तो नहीं रहे हो।
कौन सा? ये तो सवाल तो केवल बस इसके ये डराने वाला सवाल लग रहा होगा, सॉल्व करोगे तो डरोगे ना, सॉल्व भी मत करो। पता क्या है कि जैसे कभी भी आपसे बहुत लंबा डेटा देके रेशियो पूछ रहा है तो पूरा सॉल्व मत करो, तरीका पता होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन मिलाने के लिए दिए। आपको सबसे पहले कोई चीज पकड़ लेनी है। अब जैसे आपको पता है 6:21, 6:21, 6:21 तीन ऑप्शन में, तो अब इसको नहीं चेक करेंगे। फिर एम और एम 3:4, 21:7, 7:14, 21:14 अलग अलग दिख रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे। एम और एम का रेशियो 3:3 कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो जरा आप देखिए सेकंड और थर्ड वाले को, ये एल होगा, ये एम होगा, ये एम होगा, और ये वाला क्या होगा? इनको जरा देखिए, 7 * 21 = 28, ये हो सकता है आंसर। इसको देखो 7 * 21 = 1, तो क्या ये वाला आंसर हो सकता है? क्योंकि यहाँ एम और एम का रेशियो क्या 3:4 है। इसको चेक करिए, 7 * 7 = 7, 7 तक होगा, ये भी 7 * 21 = 7 × 14 आपका M और N का रेशियो होना चाहिए 3:4, लेकिन 3:4 तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो भी कौन से वाले में? तो बाकी को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं करना है। आप पेपर में जब भी करें तो फिर ऑप्शन ऑब्जर्व करना, और ये ऐसा होता ही है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो बस यही देखा जाता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितनी जल्दी क्वेश्चन पिक कर पा रहे हैं। अब ये है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं तो आपको तरकीब बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से A और B का अनुपात निकालना है, और तो आप देखिए यहाँ पर 2/5 है और यहाँ पर कितना है 8/15। तो अगर 2 से 8 काटेंगे तो कितना बार आएगा? 5 से 15 भी कटेगा नीचे से। तो ऊपर की साइड में मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो, आप ऊपर की साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 ही रहेगा, और यहाँ कुछ बचा ही नहीं है पीछे, तो यहाँ पर क्या आएगा? यानी ए और बी का रेशियो कन्फर्म है 3:4, लेकिन वो हमारी मेहनत बेकार हो गई। आप देखो तीन ऑप्शन सेम है, 18:24, 18:24, 18:24, कोई फायदा नहीं होगा। आप ये भी देख लिया करो कि कहां पर आपको लग रहा है आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आप देखिए इस पे और इस पे, ठीक, चलो अब वो बी और सी का देखिए क्या है। बी और सी का अगर हम देखेंगे तो एक तरफ 3/4 है और दूसरी तरफ कितना है? 5/8। मैंने देखा कि 4 से 8 कितने बार में कट जाएगा? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए तो 2 * 3 = 6 और * 5। तो देखिए ये भी ध्यान रखना है, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर क्या आएगा? सी, और फिर क्या आएगा? तो अभी हम बी और सी को चेक कर रहे हैं। अच्छा एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व की कि बाद वाली वैल्यू छोटी है, तो छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर आप खुद ही देखो बाद वाली वैल्यू बड़ी है या छोटी है, तो ये तो नहीं चेक करना है मुझे। अगर हम बात करें यहाँ पर बाद वाली वैल्यू बड़ी है, नहीं चेक करना है।
यहाँ भी बाद वाली वैल्यू बढ़ी, नहीं जी। अब बचा ये वाला ऑप्शन, तो इसमें गलत हो गया, ऑप्शन तो नहीं गलत, सारे गलत हो गए, ऑप्शन तो नहीं गलत देखते हैं। और सी का रेशियो मुझे पता है 6 और 5 है, तो बाद वाली वैल्यू तो 100% छोटी ही होगी ना। तो बाकी तीन ऑप्शन में आपने ऑब्जर्व कर लिया कि बाद वाली वैल्यू बड़ी, लेकिन यहां पर आप देखो 6 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड करके यहां 6 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा 5। तो यहीं पर 6 और 5 का रेशियो बाकी किसी में है, वरना आप क्या करेंगे फिर आप निकालोगे सी अनुपात भी। कल जैसे हमने ए बी सी डी का मिला के रेशियो निकाला था सेम वही प्रोसेस है। तो ये सवाल पेपर में अगर कभी है तो ऑप्शन से देख लेना, मत करना सॉल्व इसका। इसमें देखो दो अनुपात 7 दे रखा है, लेकिन हमने चेक नहीं किया क्योंकि आप देखो 1, 2, 3 ऑप्शन सेम है शुरू के, तो चेक करें हमने यहां से चेक करना शुरू किया एम और एन का रेशियो। एम और एन का रेशियो क्या होना चाहिए 3 और 4, तो आप जरा इसको भाग करिए 7 से भाग करेंगे यहाँ 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा कल ये कल करा चुका हूँ भाई ये सवाल में ऑप्शन देखो ये ना कि मैंने नहीं क्या था कल आए नहीं देखा बात मुझे पता है ना कि अगर आए होते तो तुम ये कहते ही चलो कोई बात नहीं। देखो 2 अनुपात कितना है ये 7, 3 अनुपात 4 और 14 अनुपात 5। ठीक मैंने क्या बताया था कि इसको एक क्रम में लिख लेना, उसके बाद क्या करना है ये जो खाली जगह है इनमें आपको पड़ोस वाली वैल्यू को कॉपी तो करना है। यहाँ 14 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पर यहाँ इसके बाद। अच्छा अब जो कॉमन देखिए काट लेना, नहीं कॉमन है तो मत काटना। जैसे आप देखिए 7 से काट सकते हैं 7 का एक बार, ये भी 7 कट जाएगा ये भी 7 कट जाएगा। अब आपको इसके तो 7 यानी 14 तो है, 7 से 14 काटेंगे कितना बार लगेगा 2 बार। अभी भी एक बार 2 से काट सकते हैं आप, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे यहाँ 2 कटेगा, 14 को काटेंगे कितना आएगा 2 से 4 काटेंगे कितना बार, 2 से 4 काटेंगे कितना बार, अब मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा 2 × 3 7 × 3। अगर हम यहाँ देखें तो 14 × 2 28 हो गया और यहाँ क्या आ गया 5 × 2 कितना आ गया, तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा 21 अनुपात 28। ऑप्शन तो आप चारों करेंगे तो भी वही आंसर आएगा जब ऑप्शन मिलाने से हमारा काम चल रहा है आपको पेपर में सलूशन के। अब ये तो अपने आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर कर लो, जो आज तक तुम जैसे पढ़ के आ रहे हो बोर्ड एग्जाम में वो पढ़ाई छोटी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना। बोर्ड एग्जाम में आते थे 15-20 क्वेश्चन, टाइम होता था 3 घंटे का, आराम से लिखो पेज भरने का नंबर, या पेज भरने का नंबर नहीं आंसर की तरह से करके आए
हो गया, ये थोड़ी सी जरा अलग अलग टाइप की, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताइए कल सब, ठीक है। इनको समझिए, एक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जिस अनुपात में एक्स होगा उसी अनुपात में क्या होगा, सेम रेशियो में। तो अब मैं कंपेयर कैसे करूंगा भाई, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आपको बताया जाएगा। तो इनने कहा अगर वाई की वैल्यू कितनी होती है 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कोई बात नहीं। लेकिन इनका कहना यह, अगर वाई की वैल्यू कितनी कर दी जाए, तो आपको बताना ये अब x की वैल्यू क्या होगी। नीचे वाला सवाल करिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्स रेशियो, उल्टे अनुपात। जिस अनुपात में x होगा उसका उल्टा अनुपात y होगा। जैसे अगर x की वैल्यू डबल होगी तो y की आधी हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे कह रहा है y की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा, 7, और y की वैल्यू 7 होने पर x की वैल्यू आपसे कह रहा है कितनी होगी, 27। अगर y की वैल्यू कितनी कर दी जाए, तो आपसे कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ। दोनों को समझ, आपको y के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, पहले इसका अनुपात निकालिए, 2 से यहां काटेंगे कितना आ जाएगा, और यहां 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, अब तो नहीं कटेगा। तो आप देखो सीधे सीधे यहां पर एक बात समझ में आ गई कि ये 4/19 इसका जो अनुपात है वो कितना है, 4/19 ऐसा लग रहा है कि आप इससे वैल्यू चल रही होती है वो कुछ और होती है, ओरिजिनल वैल्यू कुछ और। यहाँ पर आपने देख लिया कि
जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रेशियो में आने वाली वैल्यू का तीन गुना है। अब आपको निकालना क्या है, ए निकालना है। अगर आपको ये बात पता है कि ए प्लस बी प्लस बराबर आपको सवाल में कितना दे रखा है, अब अगर ए निकालना है तो यहां से मुझे बी हटाना पड़ेगा और किसे हटाना पड़ेगा, दोनों को हटाना पड़ेगा। कहीं पे भी बी और सी अलग अलग दिख रहा है, बी और सी अलग अलग है कि नहीं है। अगर हम अलग अलग नहीं हटा सकते तो दोनों को मिला दो, बी प्लस सी तो होगा। देखो बी प्लस सी कितना दे रखा है, तो अगर आप बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी प्लस सी की जो वैल्यू है 6 यूनिट है, कितने 6 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 6 × 3 बी प्लस सी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर 18 लगाएंगे इसकी वैल्यू पता लग गई कितनी आ रही है, और ये 18 उधर जाके क्या होगा माइनस, 30 में से 18 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। अब ये मत करना कभी भी बी प्लस सी का मान यहाँ से 6 लगा दिया सीधे घटा दिया, भाई पहले चेक को करो आपका जो रेशियो दे रखा है उसमें ए प्लस बी प्लस सी 10 आ रहा है और जबकि सवाल में ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है। अगर रेशियो पूछ सकता तब जरूर देखिए इस बात का। चलिए
है इसका? या फिर
अच्छा एक बात आप मुझे बता दीजिए, निवेश और खर्च में कोई अंतर होता है या एक ही बात है? अंतर होता है अगर आप बात करें लॉजिकली तो अंतर होता है, समझ जा सकते हो कि हमने निवेश कर दिया खर्च कर दिया। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक अंतर होता है, आप मार्केट में कपड़े खरीदा है वो हुआ एक्सपेंस आपका खर्च है, खरीदना है कोई उसके प्रॉफिट की उम्मीद से थोड़ा ना खरीदा। अब आप अपनी आपकी दुकान शॉप है आप या कोई भी गारमेंट करता आप मार्केट से कपड़े खरीद के लाए इस उद्देश्य की मैं इसको प्रॉफिट पर बेचूंगा, वो होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब जिसका भविष्य में आपको रिटर्न मिलेगा, और खर्च का मतलब जो आपने खर्च कर दिया वापस तो आना नहीं है जो भी कर दिया। यहाँ से एक बहुत अच्छी बात भी आप सीख सकते हैं, टाइम भी कुछ लोग खर्च कर रहे हैं कुछ लोग निवेश कर रहे हैं। खर्च करने वाले वो है जिन्हें पढ़ाई नहीं करी तो वो खर्च कर रहे हैं, केवल टाइम उनका बढ़ तो रहा है लेकिन उसका रिटर्न उन्हें कुछ मिलेगा। जो पढ़ रहे हैं तो अगर आज पढ़ रहे हो कल तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने अगर कोई काम शिद्दत से किया हो उसका रिटर्न आपको ना मिला, तो वो तो केवल बहानेबाजी है इस बात के लिए कि पढ़ते तो बहुत होता कुछ, ऐसा नहीं होता भाई। आप पढ़ के तो देखो कभी एक बार आपने प्रायोरिटी जिस चीज़ को दी होगी वो चीज़ आपको मिली होगी, आप प्रायोरिटी किस चीज़ पर देते हो इस पर। अरे मेरे पता कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे चल रही जिंदगी। पहले तब भी बच्चे पढ़ लेते थे फिर किसी ने फोन का आविष्कार कर दिया क्लास हो गई पढ़ाई, उनके इंस्टाग्राम के रील ही खत्म नहीं हो पा रहे तो वो पढ़ाई के बारे में कहाँ से सोच पाए। और उससे भी ज्यादा हद तो लोग ही तो देखने वालों का तो ये है कि डाटा खत्म होगा नहीं देखने बनाने वाले। अभी बरसात चल रही है आप जाना रोड मिल जाएंगे लोग इधर उधर फैले हुए रील बनाने वाले, पूरनपुर और स्टेशन तो मुझे लग रहा है रील बनाने के लिए होगी, स्टेशन के जहाँ बोर्ड लगा होता है पूरनपुर वहीं सब लोग विद्यालय बनाते हैं, पता लग जाएगा हम पूरनपुर के। और आप ये मत सोचना रील बनाने वाले सारे लोग सेलिब्रिटी ही होंगे, आप में से भी बहुत से लोग होंगे रील बनाते होंगे। और मैं तो उस दिन हैरान रह गया, एक मेरी स्टूडेंट की यहाँ पूरनपुर की है शायद पढ़ने के लिए संदीप कौर, वो रील बनाते को अचानक से मेरे सामने से सबको रील में चले गए, जिससे तो मैंने देखा कि मैंने उसका मोबाइल पर मैंने उसका संदीप कौर उसके फॉलोअर इतने हो गए ना काम भर के बहुत है उसके शायद ऐसे ही 158 के तो ऐसे ही बहुत होते हैं, 158 के लोग जानते हैं, हमें तो जानते भी नहीं इतने लोग पूरी दुनिया में नहीं जानते। तो रील बनाने वाला काम ही बात का है कर लेना भैया, आप इसे तो नहीं बनाता कोई लड़कों से नहीं पूछ रहा वो नहीं बना पाएंगे। लड़के बनाएंगे भी तो वो नहीं को देखने में शर्म लगेगी। ठीक है, प्रॉफिट हमारा इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा केवल इन्वेस्टमेंट कर दिया इससे काम चल जाएगा नहीं बनेगा ना। अब एक बंदा 40,000 रुपए लगाया एक बिजनेस में 2 साल का, अब एक बंदा ने आया और उसने कहा मैं 50,000 लगा दिया बीच में आ गया और इसने सिर्फ कितने साल के लिए लगाया, अब बताओ फायदा कौन ज्यादा लिया? ये कहेगा मैं पैसा ज्यादा लगा रहा हूँ मैं ज्यादा लूँ, अब ये कहेगा मैं समय ज्यादा पैसा कम लगा रहा हूँ लेकिन टाइम। अब आप मुझे एक बात बताना, जब इंटरेस्ट में पैसा दिया जाता है तो कैसे पता करते हो समय और जो पैसा लगाया दोनों की गुणा? अब ये 40,000 रुपए लगाए 2 साल के लिए तो इसका वेटेज 40×2 कितने हजार के बराबर हो गया, आपको 80,000 रुपए पे एक साल का ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ एक साल का ब्याज कितने में मिल रहा है, कौन फायदा ज्यादा लेगा? तो बस इस बात को ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट एक्चुअल में कभी आपसे पूछा जाए प्रॉफिट किस पर डिपेंड होता है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का आपको क्या करना है, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रेशियो आएगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब ये जरूरी भी इन्वेस्टमेंट पैसे में आपको बताओ आपको रेशियो में बता दे कोई कि भाई 2:3:4 में इतने पैसा लगा दिया 3 लोगों ने मिलकर टाइम इतने इतने समय के लिए लगाया, वो सब चीजें आगे आप सवालों में समझो। अब कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि इन्वेस्टमेंट बताओ किस अनुपात में लगाना होगा तो पता है क्या है, सबसे पहले आप देखो प्रॉफिट आपको किस अनुपात में चाहिए, भाई ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा पैसा लगाओ, और उसके बाद टाइम का भी तो डिसीजन लेना पड़ेगा कितने समय के लिए लगाएंगे। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा उसको टाइम के रेशियो से डिवाइड कर लो आपको पता लग जाएगा इन्वेस्टमेंट किस रेशियो, तभी टाइम पता करना कितने समय के लिए आप पैसा लगा रहे हो और टाइम का रेशियो निकालना है सब कुछ। प्रॉफिट इधर लिखा है, ये तो टाइम है, अगर टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट के बटे में लेते हैं
यानी प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किससे? बस ये तीन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही है सवाल। आप पार्टनरशिप पूरी खत्म कर लेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे है पूरा। वो आगे कोई एक सवाल ऐसे होंगे जहां पर थोड़ी जरूरत होगी, एक्टिव पार्टनर कौन है, स्लीपिंग पार्टनर कौन है, वो एक सवाल ऐसे कभी कभार आए उनको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो जल्दी से आप कुछ लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं।
45,000, 60,000 और 90,000 रुपये लगाते हैं और लास्ट में जाके वर्ष के अंत में कहते हैं 11,700 रुपये लगा। यहाँ पर समय की कोई बात की गई क्या? समय की कोई बात यहाँ पर है क्या? इसका मतलब बराबर समय के लिए निवेश किया, कोई और मतलब नहीं। तो कोई बात नहीं, आप केवल इतनी बात देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो किस हिसाब से किया, पहले वाले ने 45,000 और दूसरे वाले ने 60,000 और तीसरे वाले ने 90,000 रुपये तक। तो सबसे पहले इसका आत्मविश्व कि 3 दिनों तो कॉमन हो गए और 15 से काटिए, 15 का यहाँ 3 बार, यहाँ 15 का 4 बार और यहाँ 15 का 3 बार। अब इन्वेस्टमेंट अगर आपने 3:4:5 के अनुपात में किया होगा, समय बराबर ही खर्च किया, समय से तो कोई मतलब ही नहीं है सवाल में, तो जिस अनुपात में जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा वो ज्यादा लेगा, जिसने कम पैसा लगाएगा वो कम लेगा। तो जो प्रॉफिट है ना वो भी इसी अनुपात में तो बांटोगे जिस अनुपात में पैसा लगाया है। आपका प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगा? 3:4:5, ठीक है। इतनी बात हो अब जरा काम की बात, टोटल प्रॉफिट कितना है तीनों का? इसका टोटल कितना बताए? 3 और 4 7 और 6 कितना हो गया? अगर इन तीनों का टोटल प्रॉफिट देखें तो 13 यूनिट है, इसकी वैल्यू दे रखी है 11,700। अब आप खुद ही समझ लो, अगर 13 की वैल्यू 117 है तो 13 से 117 कितने बार में कटेगा? 9 बार, 2 जीरो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू आ रही है कंपेयर करने पर कितने रुपए? 900। जिसका प्रॉफिट पूछा है उसका निकाल, आपसे प्रॉफिट किसका पूछा है? सी का हिस्सा बताइए। तो भाई सी का हिस्सा हमने सीधा देख लिया कितना है, 6। अगर एक यूनिट बराबर 900 रुपये होगा तो 6 की वैल्यू 6 × 900 कितना होता है? 9,000। इसका मतलब सी के हिस्से में कितना रुपया आएगा? 1400। अब यहाँ टाइम का कोई रोल था नहीं, हो भी सकता है टाइम अलग अलग समय के लिए जो पैसा लगाते हो और जो रह जाएगा लास्ट में उसे वो किसने लगाया? तो पहले भाई बंटवारा तो करके देखो किस हिसाब से करेंगे, पी क्यू और आर। अब इसके बारे में तो कंफर्म है, ये तो हमसे बोल रहा है कि हम भाई टोटल पैसा जितना भी हो उसका कितना लगाएंगे? 1/2। लेकिन क्यू क्या कह रहा है? क्यू कह रहा है जो रह जाएगा मैं उसका 1/4 लगाएगा, ठीक। ये 1/3 लगाएगा, जितना पैसा जितनी टोटल पूछी होगी उसका तिहाई हिस्सा कौन लगाएगा? उसके बाद में जितना रह गया उसमें 1/4 भाग कौन लगाएगा? अब सबसे लास्ट वाली बात ये रह गई, आर कितना लगेगा? तो ये दोनों लगा के नोट किया, उसके बाद जितना बचा है वो कौन लगाएगा? अब टोटल आप मुझे बताइए कि आपको पता है इन्वेस्टमेंट है कितना टोटल? नहीं है ना। तो आप ऐसा करो भाई, यहाँ बटे में 3 और 4 है, अब शेष लगाओ तो गुणा कर लिया करो, 3 × 4 टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितनी मांगी। अब रेशियो आ जाएगा, अगर 12 रुपये आपने निवेश किए होंगे एक तिहाई तो इसने लगा दिया, एक तिहाई का मतलब कितना लगाया? एक तिहाई कितना होगा? 4। अब सोचिए 12 में से 4 इसने लगा दिए तो बचा कितना? 8। ये जो बचा हुआ 8 है, इस 8 का 1/4 इसने लगा दिया, तो 8 का 1/4 अगर आप निकालेंगे तो इसने कितना लगाया? 4 इसने लगाया, 2 इसने लगाया, टोटल कितना था? अब आप धीरे धीरे मुझे समझ रहे हैं, 2 इसने लगा दिया भाई, अब कितना बचा? जो बचा हुआ है और कोई विकल्प ही नहीं है, जो बचा हुआ पैसा है वो किसने लगा दिया? यही बात क्या कह रहा, अगर 3 वर्ष के अंत में लाभ मिल रहा है कितना? अच्छा ये अभी भी आप इसको काट भी कर सकते हैं भाई, अभी तो कुछ करना है नहीं, 2 से काट दो, 2 का 2 बार, इसको 2 से काटेंगे 1 और इसको 2 से काटेंगे तो कितना देगा भाई? ऊपर वाला वैल्यू जो भी था इसको हम थोड़ा और कम कर लेते हैं 2 से काट। अब आप बताइए पी का लाभ कितना है यहाँ और सवाल में कितना दे रखा है? 2 की वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है कितनी? 15। आप ये कहोगे कि ये तो हमने इन्वेस्ट की बात की, ये जो आप बता रहे हैं इस अनुपात में आपने क्या किया है? निवेश। अच्छा समय की बात की है क्या यहाँ पर? तो निवेश जिस अनुपात में किया होगा उसी अनुपात में आपको क्या मिलेगा? चाहे आप ये समझ लो निवेश मेरे, जैसे आप 2 लोग व्यापार कर रहे हैं, एक ने पैसा दोगुना लगा दिया, फायदा भी तो दोगुना लेगा,
इसीलिए यहाँ जिस अनुपात में निवेश होगा उसी अनुपात में क्या होगा, कारण क्या है, क्योंकि समय यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखता, समय के बारे में कोई बात नहीं की, ठीक है। तो समय के बारे में जब बात नहीं की गई तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसने निवेश 2 यूनिट किया तो इसका फायदा भी 2 यूनिट हो गया। कितना फायदा इसका, एक की वैल्यू बताओ कितने, अरे 1500 का आधा कितना होता है, आपको बताना क्या है कुल लाभ बताइए कितना होगा। तो कुल लाभ देखिए 2+1 3, 3 और 3 कितना होगा, अगर हम यहाँ से तीनों का लाभ जोड़ दें तो टोटल लाभ कितना हो गया 6। अब अगर आपको पता है एक की वैल्यू 750 हो गई, अगर एक की वैल्यू 750 है तो 6 की वैल्यू निकालने के लिए 6 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 750, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45। कुल लाभ इन तीनों का मिला के कितना है 45। अच्छा थोड़ा बहुत आप ऑब्जर्व कर लेंगे भाई, इसको टोटल लाभ का 3/2 को मिला है, टोटल कितना है 6, और इसको मिला कितना है 6 का 3/2 तो होता है, अगर 3/2 हिस्सा 1500 के बराबर है तो टोटल हिस्सा कितना होगा 45। आप ऑब्जर्व कर भी सकते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है समय। भाई एक बंदा कह रहा है हम 8 महीने के लिए पैसा लगाएंगे और दूसरा कह रहा है 1 साल, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, बराबर समय के लिए तो नहीं है ना, तो आप दोनों बातों को लिख लीजिए। पहले देखिए इन्वेस्टमेंट, अब पेपर में जब ये सवाल आया तो अपने माइंड में सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे यहाँ पर आप देखो 3 0 कॉमन है, जब तक कोई पैसा आप मिला रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसके लिए ऑब्जर्व किया करो, 0 तो हटाई लो कम से कम, और काटे 14 से काटेंगे यहाँ कितना पे, और 14 से काटेंगे तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है जो पूंजी है वो हमें पता है किस अनुपात में लगा रहे हैं, 2 अनुपात, एक बंदा बी है और दूसरा कौन है। अब बात करेंगे टाइम की, कितने कितने समय के लिए, एक कह रहा है हमने 8 महीने के लिए लगाया और दूसरा कह रहा है 1 साल के लिए यानी कि 12, एक 8 महीने के लिए और दूसरा, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं और कम हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ काटेंगे तो कितना, बस अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तभी पता लगेगा प्रॉफिट किस अनुपात में बांटा जाए। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई और 3 और 3 का, तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया कितना, आ गया 4। अगर पी को 4 रुपये मिलेंगे ना प्रॉफिट में, क्यों को कितना मिलेगा 9 रुपया मिलेगा। अब आपको बता दिया टोटल कितना लाभ है, यहाँ टोटल लाभ है 21,100, अब इन दोनों का जरा टोटल करके देख लो कितना बनता है, 9+4 कितना है, और 13 की वैल्यू दे रखी है आपको 21,125, यही तो दे रखिए, सिर्फ आपको इतना काम करना है कैलकुलेशन के नाम पर कि 13 से इसको भाग करके